खुशी हुए हैं तब तक उनका बेटा रोकम आ गया। रोकम आ गया। सबसे बड़ा जो बेटा है रोकम, वो कहने लगा है पिताजी तुम बहुत खुश हो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे हैं बेटा कोई बात नहीं है, हमारी रुक्मिणी शादी योग्य है। जैसे ही ये बात सुनी है कहने लगे हम जानते हैं, हमने सब कुछ सुन लिया जो तुमने कहा है। तुम इतने खुश हो रहे हो, भगवान कन्हैया द्वारकाधीश तुम उसका नाम ले रहे हो, तुम उसका नाम ले रहे हो जो चोरी करता रहा, लड़कियों के साथ में खेल को खेलता रहा, कभी उसे मर्द से काम नहीं पड़ा, गाय को चराता रहा, दद माखन लूट लूट करके खाता रहा, उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी कर देंगे? जब बता पहले, हाँ हमारी लड़की है तो तेरी बहन है, तेरी नजर में कोई लड़का हो तू बता दे। अरे हम बताएंगे, हम बताएंगे, हमारी नजर में लड़का है। कौन है? काका है, मेरी बेटी है, मैं लड़का देख रहा हूँ। नहीं आपकी बेटी है, हमारी बहन है पिताजी, हम जरूर बताएंगे। तो तेरे छोटे भाई ने जो लड़का बता दिया द्वारकाधीश कन्हैया, तो क्या गलत हो गया? देखो आप जानते हो, आपने खूब नाम सुना होगा, जो हम आपको लड़का बताएंगे चंदेले का राजा शिशुपाल और हमारा सगा साला, उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे। अकल खराब हो गई, अकल खराब हुई कि तुम्हारी अकल खराब हुई? हमारी अकल खराब हुई, हुई गई तुम्हारी। देखो पिताजी तुम पर बुढ़ापा है, ये मालूम है वो रिश्ते में तेरा कौन है? साला है। क्यों भी अपने साले के लिए तू अपनी बहन कर देगा? अरे क्यों नहीं, साला है तो क्या है, हमारे बुढ़ापे की तुम फायदा उठा रहे हो। देखो ऐसा है, जब बुढ़ापा आ जाता है पिताजी तो बुद्धि काम नहीं करती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और ये 50 रुपया श्री मुकेश यादव सनौप श्री राजेंद्र सिंह रामनगर से। ये उकेश यादव जी सनौप श्री राजेंद्र यादव जी की तरफ से ये 50 रुपया हमारे पास में आ रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम है, इन्हें भगवान सुख शांति दे, धर्म के रास्ते पर चलते रहे, परिवार इनका खुशियों से फलता फूलता रहे। अभी ये गाना हम गा देंगे, सांवली सूलत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तुम्हें नहीं मालूम है हमारी बहन की जोड़ी इतनी अच्छी मिल जाएगी हमारे साले के साथ में, बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ापा है इसलिए आपकी समझ में नहीं आती। राजा भीष्म कहने लगे हैं बेटा हम पर बुढ़ापा है इसलिए तुम हमसे ये बात कह रहे हो। रकम कहने लगा है पिताजी अगर तुम्हारी बेटी है तो बहन हमारी भी है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि मैं आपके लड़का है और बड़े भी हैं, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता है, आप पर बुढ़ापा है,
अपने साले के साथ में करेंगे। इधर रुकम ने देर नहीं की है, नाई और ब्राह्मण बुलवाए और चिट्ठी को लिखने लगे हैं। उस चिट्ठी में लिखा है, सुमंत यादव डॉक्टर साहब, शिव कुमार यादव डॉक्टर साहब, ये रंजीत के बड़े भाई साहब हैं। एक नोटों का हार हमारे गले में आया है, एक नोटों का हार हमारी धर्मपत्नी के गले में, और 201 रुपया हमें दे रहे हैं, और 201 रुपया हमारी धर्मपत्नी को और हमारे बेटा राघव को, 50 रुपये समस्त स्टाफ को ये दान दे रहे हैं। ऐसे भाई के लिए जोरदार ताली बजा दें। ये शिव कुमार डॉक्टर साहब, ये रंजीत के भाई हैं। मैं तो ठाकुर जी से ये कामना करता हूँ कि ये हमारे भाई अपनी मंजिल को प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और ये शिव कुमार डॉक्टर साहब सभी संतों को दान दे रहे हैं। संत भगवान ने आशीर्वाद दे दी, जल्दी डॉक्टर हो जाए तो हमारी भागवत हो जाए। सही में इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर जब नाई और ब्राह्मण को बुलाया और वो चिट्ठी शिषपाल के लिए लिखती है और नाई ब्राह्मण से कहा है कि तुम ये चिट्ठी जल्दी लेकर के जाओ और चंदेले में ये